Hey guys, what's up? Welcome back to another video. देखिए आज भी तुम लोगों के लिए एक और बेहतरीन वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कलम इंक के बारे में। तो कलम इंक के पास हम लोग को बहुत सारे गाने देखने को मिलते हैं जो कि भाई सबके ही फेवरेट हैं। जो भी कलम इंक को सुनता है उनके सबके फेवरेट मेरे को लगता है कि हर एक गाने हैं। लेकिन मैं लेके आया हूँ भाई साहब टॉप 5 गाने जो कि मेरे हिसाब से रहने वाले हैं कलम इंक की तरफ से। और उसे मैं 5-2-1 की पोजीशन रखने वाला हूँ, यानी कि 5-4-3-2-1 रखूंगा। और उसमें देखते हैं कि कौन सा गाना किस पोजीशन पे मेरे हिसाब से रहता है। और तुम लोग भी अपना ओपिनियन डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में, उसमें बता देना कि कौन सा गाना तुम्हारे हिसाब से टॉप 5 में होने वाला है और किस पोजीशन में होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देर किए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो नंबर 5 पे आ जाता है हमारा आज भी आप, जो कि अभी रिसेंटली आया था, मार्च के अंदर आया था, 22 मार्च को। फिर से वही कमरा, फिर से तेरी याद, घेरे माँ की बात याद, मुझको दुनिया के यहाँ दो चेहरे, हटना साली मेरा हाथ छोड़ और जाने दे, उससे धोखा खा के मुझको कहरी जाना, तुम हो मेरे नहीं, ये तेरा सच्चा वाला प्यार नहीं है, तेरी यादों के अब हम रहे गुलाम नहीं है, ये कोई बात नहीं कि दिल में आया जो भी कह दो, प्यार है कोई रंडी नहीं कि पैसा दो तमाशा दे। और इस गाने का जो मतलब मेन है ना कि भाई वीडियो आया था, क्योंकि बहुत कम वीडियो डालते हैं कलम इंक भाई, और इस गाने का प्रॉपर एक वीडियो आ रखा था जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और इसके ऊपर व्यूज की अगर हम लोग बात करें तो 2.1 मिलियन व्यूज हो गए थे भाई उस टाइम पे। क्या ही पीक लेवल चल रहा था कलम भाई का, हर जगह जहाँ पे भी खोल दो भाई कलम कलम नजर आते थे भाई, नेक्स्ट लेवल था। और अभी के लिए तो और भी ज्यादा हाइप जो है वो क्रिएट कर रहे हैं वो, और अपनी ऑडियंस भी बहुत ही ज्यादा तेजी से वो इंक्रीज कर रहे हैं भाई साहब। उनके जो फैन पेज वाली यूट्यूब चैनल है, यानी कि जो उनके फैन पेज का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर 200K होने वाले हैं भाई साहब। और अभी कलम इंक के मेन चैनल पे भी 8 लाख नहीं हुए हैं, 8 लाख होने वाले हैं, वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो 1 मिलियन बहुत कम टाइम बचा हुआ है भाई, तो इस वजह से मैंने कहा कि लाओ इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ, मतलब वीडियो में बोल देता हूँ, तो जाके कर लेना ठीक है। दोनों चैनल को जाके सब्सक्राइब करो इफ यू हैवंट, और कर तो लिया ही हो गया यार, इतना ज्यादा वो समझ लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नंबर 4 पे हम लोग को देखने को मिलता है भाई साहब एक ऐसा गाना जो तुम लोगों में से बहुत कम ही लोगों ने सुना हुआ है। अब मैं भाई साहब मैंने भी नहीं सुना हुआ था, लेकिन मैंने इस वीडियो के चक्कर में इनके सारे गाने सुने, तो उसमें से मेरे को एक मास्टरपीस मिला जो कि जिसके ऊपर बहुत कम ही मिलियन व्यू है, मतलब मिलियन तो है ही, मतलब कम व्यूज है, और मेरे को ऐसा लगता है कि इसके ऊपर और भी होने चाहिए। तो उस गाने का नाम है पुशिंग पेन बाय कलम इंक। तो भाई ये गाना जो है ना वो नेक्स्ट लेवल है। और इसकी अगर हम लोग बात करें कि रिलीज कब हुआ था, तो ये 20 मई को रिलीज हुआ था 2022 के अंदर। हम गानों से जीना सिखा रहे, मैं रैपर नहीं जाना, मैं खुदा कहलाएगा, पैसों को फेंकूंगा चीता की आग में, देखूंगा ऊपर तू कितना ले जाएगा, ये गाने ही अमर रह जाते हैं, इंसान तो धूल बन जाएगा, कमजोर को पुष्प समझ रहा तू, मैं फूल से फायर बन जाएगा, जितना कम आएगा उतना उड़ाएगा, साथ में मेरा ये होमी। और अगर हम लोग बात करें कि इसके ऊपर कितने व्यूज हैं, तो यहाँ पर 516 के हम लोग को व्यूज देखने को मिलते हैं इस वाले पर्टिकुलर वीडियो पे। तो यार इसके ऊपर ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि भाई 2-3 मिलियन व्यूज तो होने ही चाहिए थे, क्योंकि ये गाने की लाइनें अगर तुम सुनोगे ना तो तुम्हारा मतलब माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा, और जितनी भी तुम्हारे माइंड में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब तुम्हारे सामने आ जाएंगी, भाई क्या लिख दिया भाई ने। और ये चीज़ इसीलिए मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, और बहुत क्लियर चीज़ें लिखी गई हैं जो कि आप लोग सुन सकते हो। तो नेक्स्ट निकल के आता है हमारा नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे बहुत बहुत कंपटीशन था भाई ये गाने में, और अगले गाने में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कौन सा गाना मैं कहाँ पे रखूँ, लेकिन ये गाना मैंने रख रखा है इस जगह पे। और इस गाने का नाम है गालिब। तो गालिब बहुत दिन पहले आया था, और इसके ऊपर भाई साहब अच्छे खासे व्यूज हैं, 1.8 मिलियन। और ये गाना आ रखा था 22 अगस्त 2022 को। तेरे मेरे दरमियां दूरियां बड़ी, क्यों रहने दे तू दिल में ना, जुदा ना कर सकेंगे, तेरी याद डूब गहराइयों में इस कदर लगे, मेरा प्यार हुआ खाक सार, तेरे लिए जो किया था दिल से यार, तुझे मेरी ना कदर, दूरियां बड़ी अपने दरमियां दरमियां। और इस गाने के बाद मेरे को पता चल गया था कि भाई कलम इंक कुछ तो है करने वाले हैं बड़ा। और इसके बाद इन्होंने बैंगर्स पे बैंगर्स फेंका है भाई, बैंगर्स नहीं कह सकते हैं एक तरीके से, वो जो डिप्रेशन होता है ना उसकी दवा हुआ फेंकने लगे वो एकदम मज़ेदार तरीके से। और अभी के लिए इसके ऊपर 1.8 मिलियन व्यूज़ है। और अभी जो मतलब तुम कह सकते हो ना एक तरीके से बूस्ट जब मिला था कलम इंक को, तो वो यही गाना था भाई। इसी गाने के बाद मैंने जब सुनना स्टार्ट किया, तो जाहिर सी बात है और भी लोग होंगे जो कि सुनना स्टार्ट किए होंगे, तो गालिब जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अब चलते
चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट यानी कि नंबर टू पे। और भाई साहब अब मैं बताऊँ ना सच्चाई तो इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा टक्कर था नंबर वन में और नंबर टू में, क्योंकि यार ये गाने दोनों ही वायरल हैं और अच्छे खासे व्यूज़ हैं इन दोनों गाने पे। और एक में तो बहुत ही अच्छी लाइन है जो कि हम लोगों को रील्स वगैरह पे भी वायरल होते हुए दिखाई दी थी, और दूसरे में भी सेम चीज़ है कि वो भी रील्स पे वायरल होती हुई दिखाई दी थी। तो ये हम लोग बात करने वाले हैं तुम्हारी तस्वीर के बारे में, क्योंकि तुम्हारी तस्वीर में ना भाई साहब जो मतलब क्या बोलूँ मैं, तो तुम इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता। इसके व्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो 1.8 मिलियन व्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि 16 दिसंबर 2005 को रिलीज़ हुआ था। और इसी के बाद भाई साहब तुम कह सकते हो कि एक तरीके से गोल्डन एरा स्टार्ट हुआ था हम लोगों के लिए, मतलब हम लोगों के लिए चाहे वो कलम इनके लिए, मतलब समझ सकते हो कि तुम्हारी तस्वीर के बाद भाई बहुत अच्छे अच्छे गाने उनकी तरफ से निकाले गए, और उसके बाद जो उनको सपोर्ट मिला ऑडियंस का, और तुम कह सकते हो कि एक तरीके से उनकी इज्जत तो है वो DHS में बढ़ गई है, तो इसी गाने की वजह से बढ़ी थी। और अभी के लिए ये गाना मेरा वन ऑफ द बेस्ट अभी के लिए रहने वाला है, मतलब नंबर टू पे है इसीलिए क्योंकि ये मेरा गाना बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को सुनने में, और भाई है अच्छा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नंबर वन की, तो नंबर वन में आप जैसे मैंने बताया आप लोगों को यादों से रहने वाला है। पर तेरे ये साथ वाले तेरे सगे नहीं, कैसे बन जाते ये गाने जाना हमें पता नहीं, इंस्टा से मैं ब्लॉक हूं और टीवी तेरी दिखती नहीं, दारू पी के गाली तेरी जाना मुझको ये नहीं सही। एक बार था जब हम दोनों एक थे, एक वक्त है जब दोनों जुदा है, मैं तुझे जाने नहीं देता, अगर कोई जगह होता मैं तो रिश्तों को बहाने देता, रिश्तों में दगा नहीं करते, आशिक साहब हम जीते या मरते, याद आ जाते हो खुद ब खुद तुम, हम कभी याद नहीं करते। तो यादों से किसका फेवरेट नहीं है भाई, हर एक बंदा जो भी यहाँ पर सुनता है, जो भी कलमिंग को सुनता है, जो भी एक तरीके से कह लो कि सुन रखा है किसी ने भी, तो यार उसका फेवरेट हो ही जाता है ये गाना। और इसके ऊपर व्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो 3.6 मिलियन व्यूज़ है, जो कि जाहिर सी बात है कि गाना अच्छा होता है तो उसके ऊपर व्यूज़ भी बहुत अच्छे आते हैं। तो आपको क्या लगता है जोर से कॉमेंट करके बताना। और इस गाने की जो रिलीज डेट है वो 2 नवंबर 2022 में हुई थी, यानी कि बहुत ही आसपास हम लोग को देखने को मिला था तुम्हारी तस्वीर और यादों से, क्योंकि आप लोगों को पता है यार उस टाइम पे इनका गोल्डन एरा चल रहा था, जो गाने डाल रहे थे वो बूम वायरल हो रहे थे और अच्छे गाने डाल रहे थे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इन पांचों गानों में से कौन सा सबसे बेहतरीन है तुम्हारे लिए, या फिर और भी कलमिंग के गाने जो कि तुम लोगों को लगता है कि सबसे बेस्ट है, तो वो कमेंट करके जरूर से बता देना। आई होप कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ। मिलते हैं तुमसे ऐसी ही बेहतरीन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।